हेलो राधे राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और फ्रेंड्स, ये है 1 जनवरी 2024 का ब्लॉग। तो मैंने बहुत दिन से सोच रही थी कि आज जाऊंगी, कल जाऊंगी, लेकिन जब कहते हैं ना किस्मत में दर्शन होते हैं तभी हो पाते हैं, तो फिर मैंने कहा चलो आज तो ज़रूर से ज़रूर जाऊंगी, चाहे कुछ हो जाए। नए साल का पहला दिन है और शुरुआत मैं इनके ही दर्शन से करूँगी। तो हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम के मंदिर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है तब से मैं मंदिर गई नहीं हूँ, खाटू श्याम मंदिर, तो इसीलिए मैंने सोचा। और बस यहाँ पर आज सारा काम हो गया था मेरा, क्योंकि आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, 4:15 बजे मेरी नींद ही नहीं लग रही थी, तो फिर मैं 4:15 बजे उठकर और काम में लग गई। तो सारा काम भी हो गया है और सब लोगों ने नहा भी लिया है। सुबह के 8:30 बजे होंगे अभी, और इतनी सर्दी है फ्रेंड्स, अभी कोहरा है, पूरे में कोहरा हो रहा है और सर्दी बहुत तेज़ लग रही है। लेकिन मैंने कहा पहले तैयार हो जाती हूँ, जब तक बच्चे लोग भी तैयार हो रहे हैं, और इसके बाद फिर हम जाएंगे मंदिर। और जो घर के पास में मंदिर है वहाँ पे भी पूजा कराई हूँ, और घर के मंदिर की पर भी भगवान को नहला दिया है, पूजा वगैरह हो गई है। तो बस अब मैं तैयार होने लगी, और यहाँ पर मैंने पहनी हुई है ये साड़ी, तो आप लोग ज़रूर बताना कैसी लग रही है मेरी साड़ी। और ये फ्रेंड्स मैंने फर्स्ट बार पहनी हुई, तभी से लेकर रखी हुई है, कभी ऐसा मौका ही नहीं पड़ा कि पहन लूँ। तो लेकिन आज मैंने कहा चलो आज पहन लेती हूँ इसको भी, मतलब 1 साल हो गया, ये पहले ली थी, बहुत पहले ली थी तब से, लेकिन पहनी नहीं हुई है। तो आज मैंने कहा चलो इसको ही पहन लेती हूँ न्यू ईयर के दिन। तो बताना कैसी लग रही है मेरी साड़ी। और यहाँ पर मैंने चूड़ी वगैरह पहन ली, वैसे तो मैं चूड़ी ही पहन रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो लाक के कंगन रखे थे सामने एक एक, तो वो ही मैंने निकाल कर पहन लिए हैं। और बस इसके बाद अब पहन लेती हूँ कान में कुछ, अभी कान में सोने के पहने हूँ मैं, छोटे छोटे जो कान में डेली यूज के पहनती हूँ वही पहनती हूँ मैं। रोज़ तो वीडियो में निकालती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार जैसे कहीं जाना होता है तो ही निकालती हूँ। तो मैंने कहा चलो आज कुछ और पहन लेती हूँ, आज साल का पहला दिन है तो थोड़ा अलग दिखना चाहिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर देखिए रेड कलर की झुमके पहन लिए हैं। और बस इसके बाद मैं पूरी तैयार हो चुकी हूँ, तो अब हम थोड़ी देर से निकलेंगे, जब तक तिवारी जी भी हो रहे हैं, अभी नहा कर आए हैं तिवारी जी भी। और इसके बाद फिर मैं थोड़ा बाहर गई थी, इतनी ठंडी हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा सबसे पहले अब पहन लेती हूँ मैं स्वेटर, क्योंकि अगर इतनी दूर जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि बहुत तेज़ हवा है और अभी भी हल्का सा कोहरा था। ये देखिए, आप खुद देख सकते हैं मौसम कैसा लग रहा है। और इसके बाद हम लोग निकल पड़े हैं, और यहाँ पर भी इतनी हवा लग रही है, आप खुद मौसम देखिए, थोड़ा हल्का हल्का कोहरा भी दिख रहा है। और आज ही देखिए, जैसे ही हम लोगों ने ऑटो करने की सोची, लेकिन ऑटो सभी मतलब गाड़ी वालों की हड़ताल है, तो ऑटो भी नहीं मिला। और बस अब हम लोग पैदल पैदल आ गए हैं खाटू श्याम मंदिर, और यहाँ पर आकर ले लिया हमने प्रसाद, फूल वगैरह जो भी चढ़ाना था। तो आप देख सकते हैं मंदिर में कितना अच्छा लग रहा है, और कोर भी अभी भी कोर आपको दिख रहा होगा, कोहरा बहुत ज़्यादा था सुबह, तो कोहरा है अभी भी हल्का हल्का सा। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, और अब हम चलते हैं खाटू श्याम मंदिर अंदर और दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी करवाते हैं। Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna
और फ्रेंड्स हम लोग लग गए थे लाइन में, क्योंकि लाइन में ही हमने कहा पास में दर्शन हो जाएंगे। वैसे तो दर्शन सामने से भी हो रहे थे ये देखिए, लेकिन लाइन में क्या उनके पास में पहुंच रहे थे और वो पंडित जी झाड़ देते हैं तो अच्छा लगता है मुझे भी, तो इसलिए मैंने कहा चलो लाइन में लग जाते हैं। और लाइन में थोड़ा टाइम लग गया, वैसे तो सामने से दर्शन हो ही रहे थे, लाइन में हमको 30-40 मिनट लग गए। तो बस यहाँ पर हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं श्याम बाबा के, और आप लोगों ने भी कर लिया है तो आप ज़रूर बताना श्याम बाबा का मंदिर आपको कैसा लगा। बहुत सुंदर मंदिर है फ्रेंड, बहुत सुंदर। तो बस इसके बाद दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि हम लोगों को जाना है पैदल ही, ऑटो तो मिल नहीं रहे हैं, तो हमने कि अब धीरे धीरे पहुँच जाएँगे हम लोग घर। तो बस यहाँ पर तिवारी जी ने ले ली है जलेबी, तो चलिए हम लोग खा लेते हैं जलेबी, इसके बाद बनाएंगे खाना। तो बहुत टेस्टी जलेबी है, गर्मा गर्म थी, बिल्कुल निकल ही रही थी, और जलेबी लेकर आ गए हैं तिवारी जी। तो यहाँ पर मैं भी खा रही हूँ, बच्चे लोग भी खा रहे हैं सारे। तो चलिए फ्रेंड्स आ जाइए आप लोग भी, और इसके बाद अभी हमको खाना भी बनाना है। सीधा हम लोग मम्मी के घर ही आ गए, मम्मी कहने लगी आज न्यूहर है तो चलो हमारे घर यहीं पर बनाएंगे खाना, और इसके बाद जाना तुम घर। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लग जाते हैं खाना बनाने में। तो यहाँ पर मैंने पूड़ी सब्जी और भजिए, नमकीन वाले मीठे वाले, मतलब सारा जो भी खाना था वो हम लोगों ने बना लिया है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताइए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और आज का वीडियो यहीं पर करूँगी एंड, कल मिलूँगी नई वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे, बाय।